हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं विमी गोयल आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेट लाइज इन वन शॉट। तो जिन स्टूडेंट्स के मन में कोई एग्जाम फियर है वो इस लेक्चर के बाद अपना एग्जाम फियर खत्म कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स पूरा साल किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाए वो इस लेक्चर के माध्यम से अपना पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने सीखा था पॉइंट्स को प्लॉट करना, यह भी सीखा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉइंट लाई करते हैं। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में गए तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने 7th चैप्टर के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारे लिए फिर नया क्या है? हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर यह सीखा था कि अगर एक लाइन दी गई है तो उसके पॉइंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स दिए गए हो और यह कह दिया जाए इन दो पॉइंट्स के लिए कौन सी लाइन होगी, तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो यही हमारा जो टॉपिक है नया है। तो लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लेते हैं छोटा सा क्यूट सा रीकैप। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पर मीट करती है? ओरिजिन पे। तो इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर इन दो पॉइंट्स को मैं मिला देती हूं तो हमें लाइन मिलती है ए बी। तो ए बी की जो लेंथ है वो क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 10th में सीखा था, अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो पॉइंट चाहिए। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ए पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए एम किसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के ऊपर। बी एम, बी एन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बी एन लेंथ किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट y2। इसी तरह ए एम डिस्टेंस होगी इक्वल टू y1। तो जब हम ए से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये ए सी हमारे पास लाइन आ चुकी है। तो ए सी लेंथ किसके इक्वल होगी? एम एन लेंथ के। तो अगर हमने एम एन लेंथ को कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन डिस्टेंस किसके इक्वल है? यहाँ से लेकर यहाँ एन पॉइंट तक ये डिस्टेंस है x2, और इसी तरह ओ एम डिस्टेंस है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू क्या है? x1। तो ओ एम डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? x1 की। तो इस तरह ए सी लेंथ हमारे पास आ चुकी है x2 - x1। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी लेंथ। तो बी सी लेंथ किसके इक्वल होगी? बी एन माइनस ए एम, और बी एन लेंथ हमने ऊपर लिखी है y2 और ए एम लिखी है y1। अब हम इन दो लेंथ का क्या करेंगे, ए सी और बी सी का? देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल सी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ए बी होगा, ये ए बी जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, ये ए बी है हाइपोटन्यूज। तो पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटन्यूज क्या है? ए बी, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है।
इसमें परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, और बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो इस तरह हमारे पास ए बी लेंथ का फॉर्मूला आ चुका है, इन अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। आप चाहे तो x2 माइनस x1 स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन चुका है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला। क्या था वो सेक्शन फॉर्मूला? अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो ए और बी क्या होंगे यहाँ पर? देखिए, जब कार्टेशियन प्लेन है तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो जरूर गिवन होंगे, तो ले लेते हैं भाई। ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। तो ए और बी को मिलाने पर हमारे पास क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट भी आ जाता है सी, जो कि इस लाइन को डिवाइड करता है m रेशो m से। अब सी रुक जाता है। सी कहता है कि अगर ए बी लाइन वेल डिफाइंड है, ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो भाई मुझे भी डिफाइन करो। तो कर लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करना सीखा था सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। क्या था वो फॉर्मूला? m इंटू एक्स टू प्लस m इंटू एक्स वन डिवाइड बाय m प्लस n, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या था? m इंटू वाई टू प्लस m इंटू वाई वन डिवाइड बाय m प्लस n। क्या होगा कि अगर m और n की वैल्यू इक्वल रख दी जाए, यानी कि अगर c मिड पॉइंट है ए बी का, और तो रेशो क्या बन जाएगी? 1:1। तो 1:1 यानी कि m और n की वैल्यूज 1:1 भरने पर हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास यह थे। तो ये हमारे पास क्या था? सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके बाद हमने सीखा था एरिया फॉर्मूला, तो चलिए वो भी देखते हैं। किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं ट्रायंगल की। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, तो इस ट्रायंगल के हमने तीन पॉइंट्स मान लिए हैं ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री। तो इन तीन पॉइंट्स की हेल्प से हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एरिया फॉर्मूला सीखा था, 1/2 इन मॉडुलस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो देखिए काफी आसान पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि जब हमने एक्स वन लिया तो उसके साथ क्या आया है? y2 और y3। जब हमने x2 को लिखा तो उसके साथ आए हैं y3 और y1। जब हमने लिखा x3 तो हमने लिए हैं y1 और y2, यानी कि सीरीज है 1 2 3 की। तो काफी आसान है ये फॉर्मूला याद करना। तो अब मैं देखूंगी कि जो ये मैंने आपको छोटा सा रिकैप दिया है, आपको इसका कितना बेनिफिट हुआ है। तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Find the distance between P and Q. If PQ is parallel to Y axis, if PQ is parallel to X axis. क्या होता है distance formula? अगर हमारे पास P के coordinates हैं X1, Y1, Q के coordinates हैं X2, Y2, तो वो distance formula हमारे पास था X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square in under root. लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है कि पी क्यू क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं तो वो ऐसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है पी क्यू लाइन। जब पी क्यू लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पी क्यू की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहेगी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। तो इस सिचुएशन में उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होंगे, एक्स वन विल बी इक्वल टू
एक्स टू, तो हम ये कह सकते हैं उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, फिर ज़ीरो आएगा। तो इस सिचुएशन में पी क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, इन अंडर रूट ज़ीरो स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर, एंड दैट इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इन अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन स्केयर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए मैंने जो डिफरेंस लिया है वाई टू और वाई वन का, वो उसको हमने मैग्नीट्यूड में रखा है। सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, अगर लाइन क्या है पैरेलल टू एक्सेसिस, तो अगर कार्टिजन प्लेन के ऊपर आप एक्सेसिस और वाई एक्सिस लेते हैं, तो अब लाइन क्या है पैरेलल टू एक्सेसिस है, तो मान लेते हैं ये पी क्यू लाइन है, तो पी क्यू लाइन की एक्सेसिस से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई वन और वाई टू ये सेम होंगे, तो इस सिचुएशन में वाई टू माइनस वाई वन ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस ज़ीरो स्केयर इन अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन इन मैग्नीट्यूड। तो यानी कि पी क्यू डिस्टेंस क्या आई है, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर भी जो मैंने वैल्यू लिखी है वो मैग्नीट्यूड में लिखी है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरह आपने देखा कि अगर पी क्यू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो डिस्टेंस आया है वो डिफरेंट आया है। हाँ जी, इस रिकैप के बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है। जब कोई लाइन हमारे पास कार्टिजन प्लेन के ऊपर होती है तो वो एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना रही है, तो उस थीटा के ऊपर टैन की वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और थीटा क्या है, दिस इज द इंक्लिनेशन मेड बाय लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने जा रही हूँ। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर ये लाइन जो है झुकी हुई है, तो ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। और जैसे ही मैं एंगल को चेंज करती हूँ तो ये जो इंक्लिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा के चेंज होने के साथ साथ उसकी स्लोप भी चेंज होगी। अगर हम स्लोप, अगर थीटा हमारे पास जीरो डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगी, टैन जीरो, और टैन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो बना रही है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी, जीरो। जैसे ही एंगल को हम 90 डिग्री लेते हैं तो स्लोप क्या बन जाएगी, टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो इसीलिए जो हमने स्लोप डिस्कस करनी है वो नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला सीखा है स्लोप का, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ये तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें थीटा गिवन होगा। लेकिन अब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है या फिर दो पॉइंट से पासिंग अगर एक लाइन गिवन है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो उस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अब हम एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके ऊपर दो पॉइंट गिवन है। मान लेते हैं ये एक ऐसी लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है P और Q। मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, वैसे तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है,
दैट इज इक्वल टू टेन थीटा. थीटा क्या होते हैं, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. लेकिन अब हम क्या करेंगे, टू पॉइंट फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस. इसी तरह क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर. तो ये दो परपेंडिकुलर हैं, पी एम और क्यू एम. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर क्यू से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें एक ट्रायंगल मिल रही है पी क्यू आर, जिसमें आर एंगल क्या होगा 90 डिग्री. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें हमारे पास क्यू आर परपेंडिकुलर है, पी आर बेस है और पी क्यू क्या है, हाइपोटन्यूज है. तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, दैट इज़ इक्वल टू क्यू आर, और बेस क्या है, दैट इज़ इक्वल टू पी आर. लेकिन क्यू आर डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्यू एन माइनस आर एन. ये हमारी टोटल जो डिस्टेंस है क्यू एन, इसमें से अगर हम ये आर एन डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, क्यू आर. इसी तरह पी आर, ये लेंथ होगी इक्वल टू एम एन लेंथ के. अब एम एन लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ओ एन में से ओ एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओ एन माइनस ओ एम. अगर हमारा ओरिजन ओ है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं ओ एन माइनस ओ एम. अब क्यू एन डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट. तो क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई टू. और आर एन डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ इक्वल टू पी एम. ये हमारी पी एम डिस्टेंस के इक्वल होगा. और पी एम डिस्टेंस के लिए हम पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वो है वाई वन डिवाइडेड बाय ओ एन. अब ओ एन डिस्टेंस हमारे पास है एक्स टू और ओ एम डिस्टेंस है एक्स वन. तो इस तरह से हमारे पास स्लोप निकल चुकी है दो टू पॉइंट फार्मूला से, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. अब हम देखते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होगी. मान लीजिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको दिख रहा होगा. तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाएंगी. अगर एंगल सेम नहीं है तो वो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी. एक एंगल अगर इस तरफ है तो एक दूसरा एंगल अगर डिफरेंट है तो वो लाइंस कैसी होंगी, फिर वो पैरेलल नहीं होंगी. तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाएंगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं. तो जब एंगल सेम है तो उनकी स्लोप्स भी सेम होगी. तो इसीलिए हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, अगर पहली लाइन की स्लोप है एम वन और दूसरी लाइन की स्लोप है एम टू, तो एम वन और एम टू आपस में इक्वल होंगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में स्लोप का क्या रिलेशन बनेगा. अगर हमें दो लाइंस दी गई हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उन लाइंस की स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखते हैं. ये हमारे पास दो लाइंस हैं L और M, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं. तो मान लेते हैं कि जो लाइन L है ये X एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल अल्फा बना रही है, और लाइन M जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या बना रही है, बीटा बना रही है. तो एम लाइन की जो स्लोप है वो मान लेते हैं एम वन है. तो स्लोप फार्मूला होता है हमारे पास टेन थीटा. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा. इसी तरह दूसरी लाइन की स्लोप हम एम टू मान लेते हैं और वो क्या बन जाएगी, टेन बीटा.
अब हम देखेंगे अल्फा और बीटा का आपस में क्या कनेक्शन है। अब हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी और सी। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू बीटा प्लस एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा, देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 90 डिग्री। तो इस अल्फा की वैल्यू को हम एम वन स्लोप के अंदर रिप्लेस करेंगे, टेन बीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अब बीटा प्लस 90 यानी कि 90 प्लस थीटा एंगल होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है टेन नेगेटिव होता है, लेकिन टेन नेगेटिव की वजह से क्या बन जाएगा, कोट बीटा। अब एम वन हमारे पास क्या है, टेन अल्फा। अब कोट बीटा लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टेन बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। इस तरह हम ये कह सकते हैं एम वन इम टू एम टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन होगा। और अगर हमें एम वन दिया है और एम टू को कैलकुलेट करना है तो एम टू की वैल्यू होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम वन। तो ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आगे कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। हाँ जी, हमने ये तो सीख लिया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लेकिन अब हम सीखेंगे कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कुछ इस तरह से, तो उनके बीच में एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो मान लेते हैं कि उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा। वैसे तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तरफ तो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल और दूसरा जो लीनियर पेयर की फॉर्म में बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारे पास दो तरह के एंगल निकलते हैं। तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि जो एंगल फाइंड आउट किया जाए वो एक्यूट एंगल फाइंड आउट किया जाए। तो इस थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं कि एक लाइन की स्लोप है एम वन, दूसरी लाइन की स्लोप है एम टू। तो इन दो स्लोप की हेल्प से हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू। वैसे तो इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि इन डेरिवेशन में आप उलझ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इन डेरिवेशन का हमारा एग्जाम से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला की आपको डेरिवेशन यहाँ पर नहीं दे रही। तो अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमने स्लोप के फॉर्मूला सीखा है, चाहे वो टेन थीटा फॉर्मूला सीखा है या फिर टू पॉइंट फॉर्मूला सीखा है या फिर पैरल लाइंस की कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन या फिर दो लाइंस के बीच में एंगल फॉर्मूला। तो इन सभी से रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड बी। यहाँ पे पी और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये आपके सामने ग्राफ के ऊपर एक लाइन दी गई है जो ओरिजन से पासिंग है। ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि एक पॉइंट तो हमें गिवन है लाइन का। सेकेंड पॉइंट का हम कहाँ से निकालेंगे, पी बी के कोऑर्डिनेट से। तो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी बी लाइन। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम पी बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। एक्स वन है ज़ीरो, एक्स टू है एट, इसी तरह वाई वन है माइनस फोर और वाई टू है ज़ीरो। तो
पी बी का मिड पॉइंट हमारे पास आ चुका है 4-2, तो दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक तो ओरिजन, दूसरा पी बी का मिड पॉइंट। तो टू पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हम स्लोप ऑफ ए लाइन लिख सकते हैं। क्या होती है स्लोप फार्मूला? y2-y1 डिवाइड बाय x2-x1। तो ये मान लेते हैं कि लेट दिस इज़ द पॉइंट x1, y1, जो ओरिजन है उसको हमने x1, y1 मान लिया, और जो ये पॉइंट आया हमारा मिड पॉइंट इसको हम मान लेते हैं लेट दिस इज़ x2, y2। तो हम स्लोप फार्मूला के अंदर y2 की वैल्यू फिल करेंगे -2, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 0। तो इस तरह हमारे पास स्लोप आ चुकी है -1/2। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट चाहिए होती है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। पहला पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है पी बी लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज़ किया x1+x2/2, y1+y2/2। तो इस पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब स्लोप का फार्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट गिवन है तो ये स्लोप का फार्मूला है y2-y1/x2-x1। तो इस तरह हमने स्लोप को बड़े इजीली कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं हम? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है एक ही लाइन पर आने वाले थ्री पॉइंट्स, जैसे कि ये नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर मैं तीन पॉइंट्स ले रही हूँ A, B, C। तो ये तीन पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो कार्टीजन प्लेन के ऊपर अगर इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसी होगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो इस लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट हों, जैसे कि अगर ये तीन पॉइंट हैं A, B, C, तो इन तीनों पॉइंट्स के साथ जो भी हमारी स्लोप निकलेगी वो सेम होगी, क्योंकि एंगल हमारा सेम है, एंगल सेम बन रहा है थीटा। तो हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ AB is equal to slope of BC। आप slope of AC भी ले सकते हैं, BA भी ले सकते हैं, CB भी ले सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को आप आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी स्लोप सेम होगी, चाहे वो AB लाइन है चाहे वो BC लाइन है, क्योंकि लाइन तो हमारे पास एक ही है L, जो कि x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो ए बी की अगर हम स्लोप लिखना चाहते हैं यूजिंग टू पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? ए, x-1, और बी पॉइंट हम मान लेते हैं 2-1 को, और तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं वो क्या है? सी। तो ए बी की स्लोप के लिए हम ए बी पॉइंट्स को यूज़ करें यूजिंग फार्मूला y2-y1 डिवाइड बाय x2-x1। इस पॉइंट की हेल्प से हम ए बी लाइन की स्लोप लिखेंगे, तो ये आएगा y2 की वैल्यू क्या है? 1 है, और y1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाय 2-x इक्वल टू नाउ स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी के लिए हम बी और सी इन दो पॉइंट्स के यूज़ करेंगे, तो न्यूमिरेटर में आएगा 5-1, डिनोमिनेटर में आएगा 4-2। नाउ दिस इज इक्वल टू 1+1 डिवाइड बाय 2-x इज इक्वल टू 4/2। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। नाउ 2 इज इक्वल टू 2 × 2-x। ये जो डिनोमिनेटर में है 2-x, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी वैल्यू 1। नाउ x विल बी इक्वल टू 2-1 इज इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर हमने, एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर तीन पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाती हैं। तो हमने क्या फार्मूला यूज़ किया है, टू पॉइंट फार्मूला। स्लोप का टू पॉइंट फार्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ़ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन ऐसी हैं जिनमें पहली लाइन की स्लोप है m1, दूसरी लाइन की स्लोप है m2, और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। दोनों लाइन की स्लोप हमें नहीं दी हुई, ये हमने फाइंड आउट करनी है। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। पहला ये कंसेप्ट है हमारा। दूसरा है टेंजेंट ऑफ एंगल, यानी कि टैन थीटा, क्योंकि एंगल तो उनके बीच में हमने थीटा माना है, तो टैन थीटा की वैल्यू है 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। अब हमने लाइंस की स्लोप्स निकालनी है। अब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास स्लोप है m1 और m2, तो उनके बीच में टैन थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/3। एक्चुअल में टैन थीटा का फॉर्मूला जो हम लेते हैं वो हम पॉजिटिवली वैल्यू लेते हैं, ताकि जो हमारा एंगल आए वो एक्यूट आए। वैसे तो हमारे पास दो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है एक्यूट एंगल और दूसरा बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि पाई माइनस थीटा। लेकिन हम एंगल कैलकुलेट करते हैं एक्यूट, तो इसीलिए हम पॉजिटिवली वैल्यू लेनी है तो हम मैग्नीट्यूड में रखते हैं। लेकिन जब हम स्लोप्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम इस मैग्नीट्यूड की दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रही हूँ m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स m2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2m2 इंटू m2। अब हम मैग्नीट्यूड की दो वैल्यूज ले रही हूँ, प्लस माइनस 1/3। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस टू माइनस एम टू इज इक्वल टू, अगर तो प्लस का लेते हैं साइन तो 1/3 आएगा, 1+2m2 स्क्वायर। और अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये दो सिचुएशन हमारे पास आ रही हैं, दूसरी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, माइनस 1/3 इंटू 1+2m2 स्क्वायर। तो जब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स बनाकर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी। तो दो फैक्टर बनेंगे, 2m2 प्लस 1 इंटू में एम टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एम टू की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो आएगी माइनस 1, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 1/2। और इसी तरह जब हम ये दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि दूसरा केस है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, तो एम टू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी देखते हैं। ये इक्वेशन बनेंगे 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो फैक्टर बनेंगे, 2m2 माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m2 की दो वैल्यू आएंगी, 1 और 1/2।
तो अब हमने क्या करना है, M1 को सॉल्व करना है। तो पहला जो हमारा केस आया है उसमें M2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग M1 सॉल्व होकर आएगा माइनस टू और माइनस वन, क्योंकि इसका डबल लेना है। इसी तरह सेकेंड केस में M1 क्या आएगा, टू और वन, क्योंकि इसका भी हम डबल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। इस तरह हमारे पास चार तरह की स्लोप्स आ जाती हैं। पहली स्लोप्स आती हैं माइनस वन माइनस टू, दूसरी तरह की स्लोप्स आई हैं माइनस वन बाय टू और माइनस वन, तीसरा आई है वन और टू, चौथी आई है वन बाय टू और वन। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा जो हमारी दो लाइंस थी उनकी कितनी स्लोप्स आई हैं, फोर टाइप्स की। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया सबको। अब बढ़ते हैं आगे, क्या होती है स्ट्रेट लाइन। जब हम दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें मिलती है एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को हम आगे या पीछे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये बन जाती है एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं? एक्चुअली किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब हमें कैसे पता चले किसी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है, यानी कि कोई तो आइडेंटिटी प्रूफ होता होगा जिससे हमें यह पता चल सके कि ये पॉइंट किसी लाइन को लाई करता है या नहीं करता। जैसे कि एक स्कूल है सेंट जेवियर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्टूडेंट उस स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं? तो हर स्टूडेंट के पास क्या होता है, आई कार्ड। तो आई कार्ड से हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट उस स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं है। तो इसी तरह हर लाइन का भी अपना एक आई कार्ड होता है, तो उस आई कार्ड से पता चलता है कि वो पॉइंट जो है उस लाइन को लाई करेगा या नहीं करेगा। तो उस आई कार्ड को कहते क्या है, उस आई कार्ड को कहते हैं किसी लाइन की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पॉइंट किसी लाइन को लाई करता है या नहीं करता। किसी लाइन की इक्वेशन के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। कभी तो यह कह दिया जाता है कि लाइन की स्लोप दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होगी। और कभी तो ये कह दिया जाता है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से पासिंग है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। और कभी यह कह दिया जाता है कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में किसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमने अब तक क्या सीखा था, किसी लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करना। किसी लाइन की स्लोप के दो फॉर्मूले थे, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई एंगल थीटा बनाती है तो उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला हमने सीखा था टेन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पासिंग है एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू, तो उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला है टू पॉइंट फॉर्मूला, इस टू पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से अब हम अलग अलग सिचुएशंस के अंदर किसी लाइन की इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस को। क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हर लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है, ये एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकती है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो हमारे पास वाई डिस्टेंस होगी ये सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट से चेक करें हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे पीछे कितने ही हमारे पास पॉइंट्स हैं तो इनकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमेशा सेम रहती हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ए और ये ए क्या है, वाई की वैल्यू है। तो यहीं से हमारे पास
एक जनरल इक्वेशन बन जाती है किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए। अब ए हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के नीचे वाली साइड में है तो वाई जो हमारी डिस्टेंस होगी, या ये कह लो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, तो वाई की वैल्यू फिर किस तरह से होगी, माइनस ए के फॉर्म में। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उस हर लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसीलिए इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगी। किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे ऊपर या नीचे, वो डिस्टेंस सेम रहती है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, अगर हम ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं ए कॉमा ज़ीरो, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाती है, ए के। तो यानी कि यहीं से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन जाती है एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। जब ए की वैल्यू ज़ीरो आती है तो क्या होगा, तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देखते हैं इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू ज़ीरो ये कब होता है, जब x एक्सिस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, वहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह जब हम वर्टिकल लाइन में a की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाती है y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस की इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। हाँ जी, आपने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। काफी आसान टॉपिक था, है ना। तो इसी तरह हमारी जो किसी लाइन की इक्वेशंस की अलग अलग फॉर्म्स है वो भी काफी आसान है, आपको कहीं से भी वो मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन ये चैप्टर जो हमारा काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि प्लस टू में जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, उसके अंदर ये सारी फॉर्म्स जो है वो यूज होंगी। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये अलग अलग जो हमारी फॉर्म्स हैं उनको हम वहां पे यूज करेंगे। तो इसीलिए आपने पूरे ध्यान से इस कंसेप्ट को शुरू से लेकर अंत तक आपने इस लेक्चर को सुनना है, समझने की कोशिश करना है, और ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के अंदर पूरा एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्म से। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो चलिए देखते हैं वो क्या होगी। सबसे पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है L, जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1, y1 और उसकी स्लोप है m। तो इसके ऊपर एक हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं x, y। तो इस लाइन की स्लोप का टू पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे x2 और y2 क्या है, x और y कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि ये हमारा स्लोप क्या बन जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो जब हम डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, m इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है किसी लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये किसी लाइन की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और एक स्लोप गिवन होगी m। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
हाँ जी, कैसे लगी आपको हमारी फर्स्ट फॉर्म? काफी आसान थी। हमारी फर्स्ट फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हम स्लोप के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होती है। अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो, y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यही हमारी पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी फॉर्म की हेल्प से हम बाकी फॉर्म्स को ड्राइव करना सीखेंगे। मान लीजिए आपको किसी फॉर्म के बारे में याद नहीं रहता, तो आप पहली फॉर्म से बाकी जितनी भी फॉर्म्स है उसको ड्राइव कर सकते हैं काफी इजीली। तो चलिए उन बाकी फॉर्म्स के बारे में भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या है कि अगर एक लाइन के ऊपर, ये हमारी लाइन है एल, जिसके ऊपर दो पॉइंट हैं ए और बी, अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अगर हम पिछली फॉर्म की हेल्प लें तो पिछली फॉर्म हमने क्या ड्राइव की थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म थी जिसमें हमारे पास स्लोप m और एक पॉइंट गिवन था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्लोप है वो टू पॉइंट फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू पॉइंट फार्मूला क्या था, y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये जो m स्लोप है इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से ये हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म बन जाती है। आप चाहे तो ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है y2 टू माइनस वाई वन, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हमारा टू पॉइंट फॉर्म है जिसके अंदर किसी लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट गिवन है तो उस लाइन की इक्वेशन यह होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो पहले आप स्लोप निकाल के ये पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ए और बी पॉइंट्स के ऊपर, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मान लेते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है ए पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा ज़ीरो, और वाई एक्सिस को मीट करती है बी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ज़ीरो कॉमा बी। अभी हमने टू पॉइंट फॉर्म यूज़ की ड्राइव की है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें हमारा x और y क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है x कॉमा वाई, ये मूविंग पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है लाइन के ऊपर। तो दो फिक्स पॉइंट हैं a और b। तो यहाँ पर a और b इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस टू पॉइंट फॉर्म के अंदर रिप्लेस करें, अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो रिप्लेस करने जा रहे हैं x1 और y1 की वैल्यूज़। y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है b, तो b माइनस 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है a, x माइनस a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू b पॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a। नाउ दिस इम्प्लाइज माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। जब पूरी इक्वेशन को हम ए बी से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आएगा x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b। तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर x इंटरसेप्ट गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। वट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है अगर लाइन L इसकी स्लोप देगी हो M और इसका Y इंटरसेप्ट हमें दिया गया है, Y इंटरसेप्ट मान लेते हैं C दिया गया है, तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो लाइन L है Y एक्सिस को मीट करती है 0, C पॉइंट पर। तो यहाँ पर C क्या है? Y इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट स्लोप क्या थी? ये फॉर्म थी जिसमें एक पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन और स्लोप है m। तो यहाँ पर एक्स वन वाई वन की वैल्यूज हम भरेंगे 0, C। तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म भी है और इजी फॉर्म भी है, जिसको हम काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें x इंटरसेप्ट दे दिया जाए और स्लोप दे दी जाए, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इंटरसेप्ट मान लो कि d दिया गया है, मान लो कोई लाइन ऐसी है जो x एक्सिस को मीट करती है d, 0 पॉइंट के ऊपर, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर इसकी स्लोप गिवन है m? तो सेम यही प्रोसीजर है, हम यही फार्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट अब हम यूज़ करेंगे d, 0, तो y माइनस ज़ीरो बन जाएगा इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो इस तरह हमारे पास ये दो तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकलती है। अगर तो y इंटरसेप्ट दिया गया है तो हमारी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर x इंटरसेप्ट डी दिया गया है तो हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। लेकिन हमने इन फॉर्म्स का रट्टा कहीं भी नहीं मारना, हमें पता होना चाहिए कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर y इंटरसेप्ट दिया गया है तो वहाँ से हम पॉइंट लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट दिया गया है तो वहाँ से भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, और हम ये फॉर्मूला जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्म की हेल्प से हम कोई भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ईजिली ड्राइव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि अगर एक लाइन L है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P गिवन है, और ये जो परपेंडिकुलर है OC किसी लाइन L के ऊपर, तो वो X एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बना रहा है ओमेगा। तो लाइन L की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें C के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना होगा। C कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये परपेंडिकुलर, OC एक परपेंडिकुलर है L लाइन के ऊपर, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल और लाइन का। तो C के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि OC लाइन जो है एंगल ओमेगा बना रही है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से है P, तो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे P cos ओमेगा, P sin ओमेगा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ये तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ चुका है, लेकिन अब हमें या तो एक पॉइंट और चाहिए या फिर हमें चाहिए स्लोप।
अब लाइन एल की स्लोप हम कहाँ से निकालेंगे, इसकी नॉर्मल की स्लोप से। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन हमारे पास एल है उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ओ सी। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप की प्रोडक्ट है वो क्या होती है, माइनस वन। तो दूसरी लाइन की अगर हमने स्लोप निकालनी है तो वो होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर स्लोप। तो ओ सी की स्लोप क्या होगी, अब ओ सी की स्लोप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन ओमेगा, क्योंकि ओ सी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ओमेगा। अब टेन ओमेगा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्लोप आ चुकी है लाइन की। अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट हमारे पास सी गिवन है जो हमने अभी निकाला है और एम भी हम निकाल चुके हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है पी साइन ओमेगा, एम की वैल्यू है माइनस कोस ओमेगा डिवाइड बाय साइन ओमेगा, इनटू में है एक्स माइनस पी कोस ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास किसी लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो निकल आती है, वो क्या बनेगी, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट बनेगा। इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो P है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजन टू लाइन। लेकिन इसमें जो ओमेगा हम यूज़ कर रहे हैं ये नॉर्मल के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया गया है, इसीलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी, आपने किसी लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? अरे भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि हमें दिया क्या गया है। तो चलिए हेल्प लेते हैं एग्जाम्पल्स की, तभी आपको पता चलेगा क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू माइनस टू थ्री विद स्लोप माइनस फोर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप दी गई है माइनस फोर और पॉइंट है एक्स वन वाई वन, ये दिया गया है माइनस टू कॉमा थ्री। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो ये हमारा पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, 3, m की वैल्यू है माइनस फोर, एक्स वन की वैल्यू है माइनस टू। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, माइनस फोर प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस टू को जब माइनस फोर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस एट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है फोर एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या देखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर, जब हमारे पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन एंड थ्री कॉमा फाइव। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट से पासिंग है,
तो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला। तो टू पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स टू वाई टू है। तो एक्स वन की वैल्यू वन होगी, वाई वन की वैल्यू माइनस वन होगी, इसी तरह एक्स टू की वैल्यू है थ्री और वाई टू की वैल्यू है फाइव। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को उल्टा मान लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे, तो देखते हैं क्या आते हैं। वाई वन की वैल्यू है माइनस वन, वाई टू की वैल्यू है फाइव, अब एक्स टू की वैल्यू है थ्री, वाई वन की वैल्यू है वन, सॉरी एक्स वन की वैल्यू है वन। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स बाय टू। जब हम सिक्स को टू से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे थ्री आता है, तो y प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन। थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स माइनस थ्री आएगा, तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगी, थ्री एक्स माइनस y माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। जब हमें यह पता लगता है कि दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो हमने टू पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया। मान लीजिए आपको ये फार्मूला नहीं याद, तो आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं टू पॉइंट फार्मूला से, y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर इसके बाद आप पॉइंट स्लोप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वो क्या था हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये फार्मूला भी हमारा इसी टू पॉइंट फार्मूला से ही बना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट इसमें है केस वाई इंटरसेप्ट इज माइनस थ्री बाय टू, सेकेंड पार्ट है एक्स इंटरसेप्ट इज फोर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमने इस इक्वेशन की जो लाइन है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। तो वाई इंटरसेप्ट को हम मान लेते हैं कि ये सी है। अब टेन थीटा हमें दिया गया है वन बाय टू, अब टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली फिलअप करेंगे, एम की वैल्यू है वन बाय टू और सी की वैल्यू है माइनस थ्री बाय टू। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, और यू कैन से एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है फोर। क्या दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट इज फोर। तो हम ये कह सकते हैं कि उस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या दिया गया है, फोर कॉमा ज़ीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट फोर कॉमा ज़ीरो। तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर है और हमारे पास स्लोप दी गई है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाय टू। तो इस पार्ट में हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, स्लोप हमारे पास है वन बाय टू, एक्स वन की वैल्यू है फोर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर और
एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमने किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखा। क्या कोई ऐसी इक्वेशन भी है जो इन सारी फॉर्म्स को समाकर रखती है, यानी कि हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। तो इस जनरल इक्वेशन से हम बाकी जितनी भी हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं, उनको हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स में रिड्यूस किया जा सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि इस जनरल इक्वेशन से ये तीन फॉर्म्स को बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। किसी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा मेन फोकस है। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसको हमने क्या बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ आप देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, y है। तो यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें हम y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें y का कोफिशेंट क्या है, 1 है। तो यानी कि इस इक्वेशन को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस ए पॉन बी एक्स माइनस सी पॉन बी। तो आप इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आ गई, माइनस ए पॉन बी, और y इंटरसेप्ट क्या आया है, माइनस सी अपॉन बी। तो स्लोप से आप एक फार्मूला भी बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या फार्मूला बना है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ y। तो इस तरह से स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अगर कोई भी जनरल इक्वेशन हमें दे दी जाए तो हम इजीली जो उसकी स्लोप है वो लिख सकते हैं, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई। तो देखिए आपने जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीख लिया है। अब हम जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स पॉन ए प्लस वाई पॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है और जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर क्या है, 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, एक्स की टर्म है और वाई की टर्म है। तो हम जनरल इक्वेशन में भी क्या करेंगे, एक्स की टर्म और वाई की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब हमने राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस सी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है ए पॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई डिवाइड बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें हम देख रहे हैं कि x के डिनोमिनेटर में a है, तो यानी कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय माइनस सी पॉन ए प्लस y डिवाइड बाय माइनस सी पॉन बी इज इक्वल टू 1।
तो यानी कि ये जो हमारे पास अब लास्ट में फॉर्म आई है ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस सी पॉन ए, और जो बी इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस सी पॉन बी। एक्चुअली जो हमने पीछे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी उसमें हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या आया था, माइनस सी पॉन बी। तो आप इस इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देखेंगे तो वाई इंटरसेप्ट हमारा सेम है और इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या आया है, माइनस सी पॉन ए। तो इस तरह जनरल इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो मान लीजिए ये लाइन एल है हमारे पास, ये लाइन एल की अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पी ले लेते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा बनाता है, तो इसकी इस लाइन एल की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो ये होती है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो हमने ये फॉर्म बनानी है जनरल इक्वेशन से। अब हम जनरल इक्वेशन में जो सी कांस्टेंट है उसको हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइन वन है और लाइन टू है ये आपस में पैरेलल हैं या एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो भी हम ये कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी जो रेशो है वो हमारे पास सेम आएगी। तो यहाँ से हम कोस ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाय माइनस सी, तो माइनस साइन को हम ऊपर रख लेते हैं। इसी तरह साइन ओमेगा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस बी पी डिवाइड बाय सी। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जब इसमें हम साइन की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और कोस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि पी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब ये जो पी की वैल्यू है आप कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा में रिप्लेस करेंगे तो हमें यह रिज़ल्ट मिलेगा, कोस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, साइन ओमेगा की वैल्यू निकल आती है प्लस माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, और पी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था प्लस माइनस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो इस तरह आपने देखा कि इसी जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। हाँ जी, इस तरह आपने किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशंस को अलग अलग फॉर्म्स में रिड्यूस करना सीख लिया। अगर किसी लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है तो उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखना है, यानी कि किसी भी लाइन को आप किसी लाइन की जनरल इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में
रिड्यूस कर सकते हैं। अब जरूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी फॉर्म को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो चलिए हेल्प लेते हैं एग्जांपल्स की। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड इट्स स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। देखिए स्लोप तो हम निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंडली इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली जो हमारी फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्म देने के लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पर y वाली टर्म को रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अब y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस फोर। तो माइनस फोर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि m क्या आ रही है, 3.4, यानी कि स्लोप हमारे पास आ चुकी है 3.4। और यहाँ पर जो c है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट, तो उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? 5.2। अब हमें केला ये निकालना है x इंटरसेप्ट, तो उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, और राइट हैंड साइड पर अब माइनस 10 है तो पूरी इक्वेशन को माइनस 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें यह मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x के डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 10.3, y के डिनोमिनेटर में आएगा 5.2 एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इजीली देख सकते हैं जो x इंटरसेप्ट है माइनस 10/3 है और y इंटरसेप्ट है 5.2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और हमने क्या निकालनी है? p एंड ओमेगा वैल्यूज़। तो जनरल इक्वेशन क्या दी गई है? रूट 3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है? रूट 3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है? माइनस 8। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन अंडर रूट के साथ। तो a की वैल्यू रूट 3 और b की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाती है 2। यानी कि पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पर ले लेंगे। अब हमारे पास ये वो फॉर्म बन चुकी है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें x का कोफिशिएंट होता है कोस ओमेगा और y का कोफिशिएंट होता है साइन ओमेगा, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होती है? p वैल्यू। तो यहाँ आप देखेंगे कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है? रूट 3/2। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1/2। और पी की वैल्यू क्या है? 4। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जब आप साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये बात तो क्लियर है कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू ये सही है, लेकिन ये कौन सी एंगल के ऊपर हमें ये वैल्यूज़ दे रही हैं? जब हमारे पास ओमेगा क्या होगा? 30 डिग्री। क्लियर है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो 30 डिग्री को आप पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, और P ये हमारे पास क्या आ चुके हैं 4। एक्चुअली P क्या होते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू लाइन। तो इस तरह आपने जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, और यहाँ से आपने P की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। हाँ जी, इन एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। काफी इजी था, कहीं से भी मुश्किल लगा आपको? नहीं लगा ना? तो अब हम सीखेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट गिवन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, या फिर अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए सीखते हैं इनके बारे में भी। यहां तक अब सब आपको क्लियर हो गया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि अगर हमें एक पॉइंट दे दिया जाए और एक लाइन दे दी जाए, तो हमने उस पॉइंट से उस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है L और ये हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM को कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A, B और P। A और B क्या हैं? देखिए, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे दी गई AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट करना सीखा था, तो हमारे पास जो X इंटरसेप्ट आता था A, उसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस सी पॉन बी ए, और इसी तरह Y इंटरसेप्ट था हमारे पास माइनस सी पॉन बी। तो यहाँ से हमारे पास X एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकल आता है माइनस सी पॉन ए कोमा ज़ीरो, और इसी तरह Y एक्सिस के ऊपर हमारा पॉइंट निकल आता है ज़ीरो कोमा माइनस सी पॉन बी। तो इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम एरिया लिख सकते हैं, कौन सी ट्रायंगल ए पी बी का। तो हम एरिया लगा रहे हैं, एरिया ए पी बी का हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस इसमें हम क्या ले रहे हैं, अगर ये हमारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो बेस है हमारे पास ए बी, और इसमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है पी एम। अब ए बी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर इन अंडर रूट मल्टीप्लाई विद पी एम। अब इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे रहे हैं। अगर हम दोबारा से इसी ट्रायंगल के ऊपर जो एरिया फॉर्मूला हमने टेंथ में सीखा था वो अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इन मैग्नीट्यूड। ये पूरी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में रखी जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, एरिया हमारा सेम होता है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास पी एम की लेंथ निकल आएगी। लेकिन पहले हम ये एरिया फॉर्मूला जब हम लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी गिवन है, पी बी गिवन है और बी बी गिवन है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 1/2 इंटू सी पॉन ए बी इन मैग्नीट्यूड ए एक्स वन
प्लस बी वाई वन प्लस सी इन मैग्नीट्यूड। अब हम इक्वेशन वन और थ्री को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो पी एम लेंथ है वो निकल आती है, क्योंकि ये हाफ और हाफ कट जाएंगे, तो पी एम लेंथ हमारे पास क्या निकल आएगी, दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइंस। पहली जो पैरल लाइन है वो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरी लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। इन दोनों को ही हम पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या लिखी जाएगी, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हमारी ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें हमें पता है कि जो सी वन है ये वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि ये वाई एक्सिस को मीट कर रही है ज़ीरो कॉमा सी वन पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट से हम दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालनी है डी। तो ये पॉइंट जो है ज़ीरो कॉमा सी वन, तो हमने पहले एक फॉर्मूला सीखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। ये कौन सी लाइन के लिए होते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और पॉइंट क्या कौन सा गिवन होता है, एक्स वन वाई वन। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला है ये वाला डी का। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, अब हमारी जो लाइन है ये सेकेंड लाइन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाती है, अब पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ज़ीरो कॉमा सी वन, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो एम इंटू ज़ीरो आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, सी वन, ये वैल्यू सारी मैग्नीट्यूड में रखी जाएगी, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब इन इक्वेशंस में हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो आएगा एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वन का स्क्वायर, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट वन है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, सी टू माइनस सी वन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वन प्लस एम स्क्वायर इन अंडर रूट। अब क्योंकि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ये हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और वहाँ पे हमारे जो सी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सी वन और सी टू हों, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा सी टू माइनस सी वन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड अंडर रूट, तो ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का, सी टू माइनस सी वन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस फाइव फ्रॉम द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से हमने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमने जस्ट एक्स वन वाई वन की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जनरल इक्वेशन है हमारे पास 3x-4y-26 = 0। तो इस इक्वेशन में जब हम एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, 3 × 3 − 4 × −5 − 26। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि ये है x का कोफिशेंट, तो a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू तो है −4, तो −4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो इस तरह आप देख रहे हैं 9 + 20 − 26 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/5, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव होती है इसीलिए फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड लगाया जाता है। तो डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी है, जस्ट हमारे पास एक फॉर्मूला जो है उसको हमने यूज़ करना है और जो भी हमारे एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, जनरल इक्वेशन जो गिवन है उसको हमने माइंड में रखना है और फॉर्मूला के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस। मान लीजिए ये दो पैरल लाइंस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था डी का, वो क्या था, सी टू माइनस सी वन इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ पर सी टू की वैल्यू क्या है, 5 या 7 जो भी आप सी वन और सी टू मान के चल सकते हैं, तो सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाय, अब क्योंकि दोनों में हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेम है तो 3 का स्क्वायर − 4 का स्क्वायर इन अंडर रूट, तो 2 / 5। तो इस तरह दो पैरल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना काफ़ी इजी था। हाँ जी, कैसे लगा आज का लेक्चर? मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर देखने के बाद जिन स्टूडेंट्स के मन में कोई एग्जाम फियर था वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा और उन्होंने एक ही लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीख लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिना किसी हेल्प के अब सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इसीलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, क्योंकि 12th के अंदर हम 3D करेंगे। 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए स्ट्रेट लाइंस काफी हेल्पफुल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, काफी जो टॉपिक्स है उसको हमने इंटरेस्टिंग और इजी वे में क्लियर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही मैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके लिए वन शॉट वीडियो तैयार कर रही हूँ, तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।